India found a jackpot, not a money. Batteries, you heard right. 9 February 2023, the Geological Survey of India announced that India has been found in lithium in Reasi district of Jammu and Kashmir. How much? 5.9 million tons. Well, discovery of lithium in India, it is a big deal for us. Yes, of course. जानते हैं कैसे। लिथियम पर जल्द खत्म होगी विदेशी निर्भरता। जम्मू कश्मीर में मिला लिथियम का भंडार। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में लिथियम का भंडार मिला है। अब लिथियम पर खत्म होगी चीन की बादशाह। Indian Mines Ministry has announced the large discovery of lithium in Jammu and Kashmir. The rare earth mineral is essential for manufacturing electric vehicles and batteries in particular. At 5.9 million tons, this is India's first major discovery of lithium reserve. Hey, this is Bhumi. हम उलझे हुए क्वेश्चन को सही तरीके से सुलझाने की पूरी कोशिश करते हैं. So don't forget to subscribe and hit the like button. We are very glad if you do that. हम question by question समझते हैं. What is a lithium? लिथियम एक वाइट सॉफ्ट केमिकल एलिमेंट है। इसकी डेंसिटी पानी से भी कम है। इट कैन एक्चुअली फ्लोट। ये नेचुरली अर्थ में नहीं बनता। इट्स अ कॉस्मिक मेटल। अकॉर्डिंग टू कॉस्मोस मैगजीन 13.7 बिलियन ईयर अगो बिग बैंग में प्रोड्यूस होने वाली ये एकमात्र मेटल थी। व्हाई लिथियम इज अ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। इंडिया इलेक्ट्रिक व्हीकल अपनाने की दिशा में अपना कदम बढ़ा रहा है। बाय 2030 India plans to convert fuel car into a electric car. In current time, India में सिर्फ 0.5% electric vehicle है. अभी journey काफी दूर है, to 0.5% to 30%. That's why this discovery is more important to us. Lithium is an important ingredient for batteries. EV market में ये बस्ता है. इलेक्ट्रिक कार की बैटरी लिथियम आयन से बनती है और ये लिथियम के बिना इम्पॉसिबल है। लाइट मेटल है, इसीलिए इजी टू यूज है एंड एनर्जी और परफॉर्मेंस को भी इम्प्रूव करता है। दैट्स व्हाई इट्स अ बेस्ट फॉर ईवी व्हीकल। इट्स अ गेम चेंजर ऑफ इंडिया। हम आज भी ऑयल इम्पोर्ट करते हैं टू ड्राइव व्हीकल और गवर्नमेंट इसके लिए बहुत सारे पैसे पे करती है। इन 2022 हमने $190 बिलियन पे किए थे टू बाई ऑयल और इतना पैसा खर्च कर ना तो हम खुश है ना तो गवर्नमेंट। और यही नहीं, हमने 2020 में इंडिया में वर्थ 1800 करोड़ की लिथियम बैटरीज एंड 170 करोड़ रुपीस की लिथियम मेटल इंपोर्ट की थी। एंड डिस्कवरी ऑफ लिथियम इट्स गेम चेंजिंग फॉर इंडिया। इंडिया के पास खुद का लिथियम रिजर्व है, सो हमें अब दूसरे देशों से इम्पोर्ट नहीं करना पड़ेगा। एंड जैसे जैसे इलेक्ट्रिक मार्केट ग्रो होगा तो हमें ऑयल भी कम इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंडिया में 100% लिथियम बाहर की कंट्री से आता है। जहाँ जहाँ बैटरीज यूज होती है वहाँ वहाँ लिथियम होता है। वो चाहे टीवी रिमोट हो, लैपटॉप हो, टॉयज हो, वायरलेस हेडफोन हो एंड एवरीथिंग दैट यूज बैटरीज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच कंट्रीज हैव मोर रिजर्व ऑफ लिथियम। अर्जेंटीना, बोलिविया एंड चिली। This thick country have a 70% of lithium in all world. Australia के पास भी अपना खुद का lithium reserve है। How much? Around 8 million tons. आज तक India इन सारी countries पे depend थी till today, पर अब नहीं। India आज world lithium map में 7th number पे है। Main point, what is the role of China in this matter? World में China 65% lithium refining करता आ रहा है। मेन रीजन फॉर दिस, वहाँ पे लेबर वर्क वेरी चीप है कंपेयर टू द अदर कंट्रीज एंड चाइना हैज अ ग्रेट स्ट्रेटजी टू रिफाइनिंग लिथियम। हालांकि चाइना के पास अपना खुद का लिथियम रिजर्व तो है ही नहीं, पर ऑस्ट्रेलिया, बोलिविया, पेरू, चिली, अर्जेंटीना के पास खुद का रिजर्व होने पर भी अच्छी स्ट्रेटजी न होने के कारण वो चाइना पे डिपेंड है। ज्यादातर टेस्ला की बैटरीज भी चाइना में ही बनती है। Now big question is, India is still depend on China to convert lithium batteries? Yes, हमें depend रहना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास lithium तो है पर उसको battery में convert करने की power भी नहीं है, strategy भी नहीं है and well planned structure भी नहीं है। अगर हमें 2030 तक EV vehicle mission complete करना हो तो हमें भी China की तरह ग्रेट strategy, well planned structure create करना होगा। Thanks for listening me.